वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आर्ट हब। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिया है 2003 तक, आज 2004 का सॉल्व करूंगी। और अगर आपको पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ देखना है सारे प्रीवियस ईयर वीडियोस तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। विख्यात स्फिंक्स कहाँ स्थित है? स्फिंक्स गीज़ा में स्थित है। अब बात कर लेते हैं स्फिंक्स है क्या। तो ये एक लॉयन है जिसका सर ह्यूमन बीइंग का है और उसकी बॉडी शेर की है। इजिप्ट में 3 पिरामिड बनाए गए थे। सबसे पहले वाले पिरामिड का नाम था खुफरे, सेंटर वाले पिरामिड का नाम था खफरे और थर्ड पिरामिड का नाम था मैनकुरे। तो खफरे के सेंटर में ही स्फिंक्स को बनाया गया था। ये कहा जाता है कि स्फिंक्स इसकी सेफली के लिए, इस पिरामिड की सेफली के लिए बनाया गया है। और ये कहाँ पर है? तो ये इजिप्ट में है, मिस्र में। मेघदूत चित्रावली है। मेघदूत पेंटिंग बनाया था सेलेनार्डे किसके कहने पर बनाए थे? तो राय कृष्णदास के कहने पर। और इनकी जो श्रृंखला है मेघदूत कहाँ संग्रहित है? भारत कला भवन बनारस में संग्रहित। बरोक शैली का प्रमुख कलाकार, बरोक शैली के प्रमुख कलाकार थे कैराबेजो। बरोक शैली कहाँ स्टार्ट हुआ था? इटली में। इटली में यहाँ पर पेंटिंग बनाई जाती थी नाटकीय छाया प्रकाश, ड्रामेटिक उसको कैप्चर किया जाता था, एटमॉस्फेयर्स को। रेम्ब्रा किस शैली के प्रमुख कलाकार हैं? रेम्ब्रा बरूक शैली के प्रमुख कलाकार हैं। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्र किस शैली में हुआ? पहाड़ी शैली में। पहाड़ी शैली को और किस नाम से जाना जाता है? तो नारी सुषमा के नाम से भी जाना जाता है पहाड़ी शैली को। बेंजेंटाइन कला में पीला रंग प्रतीक है। तो जो येलो कलर्स यूज करते थे बेंजेंटाइन आर्ट में, वो हेवन का सिंबल्स था, मतलब स्वर्ग का प्रतीक था। अब बेंजेंटाइन आर्ट फेमस क्यों है? तो मोज़ेक आर्ट के लिए, मणिकुट्टिम के लिए। शिवी जातक के अंतर्गत दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है। तो शिव जातक पेंटिंग अग्नि तथा इंद्र, शिव जातक पेंटिंग अजंता के गुफा नंबर 1 में बनाई गई है। और शिव जातक तारीख़ अल्फी क्या है? तारीख़ अल्फी दुनिया का इतिहास है। पिकासो का जन्म हुआ था, पिकासो का जन्म स्पेन में हुआ था। वैन गॉग का पूरा नाम क्या था? विंसेंट वैन गॉग। मुर्गा किस कलाकार की मूर्ति है? तो मूर्ति की बात हो रही है, मुर्गा पिकासो की मूर्ति है। ललित कला एकेडमी के प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे डीपी राय चौधरी। अध्यक्ष बने कब थे? 1954 ईस्वी में। हरी पट्टी किसका चित्र है? हरी पट्टी पेंटिंग बनाए थे हेनरी मैटिस। हेनरी मैटिस किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं? फैविज्म आर्ट मूवमेंट से। फैविज्म आर्ट मूवमेंट चला कहाँ था? फ्रांस में। बुलंद दरवाजा की ऊंचाई है, तो बुलंद दरवाजा की ऊंचाई 134 फीट है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बुलंद दरवाजा जो इन्होंने बनाया है तो कब बनाया? तो ये गुजरात का जब विजय की प्राप्ति हुई थी उसके बाद इन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया है अकबर ने। अद्भुत रस का कौन सा रंग है? तो अद्भुत रस का है पीला रंग। ब्रह्मा के चार मुख किसके प्रतीक हैं?
ब्रह्मा के चार मुख चार वेदों के प्रतीक हैं। चार वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में सर्वप्रथम कला शब्द का यूज किया गया है और गायत्री मंत्र का उल्लेख किया। कागज पर चित्र बनने शुरू हुए थे। कागज पर चित्र बनने 14वीं शताब्दी में शुरू हुए हैं, क्योंकि सबसे पहली कागज पर पेंटिंग बनाई गई है 1380 का कल्पसूत्र। अब भारत में 1350 ईस्वी में ईरानी के थ्रू पेपर यूज़ किया जाने लगा था। ईरान से आया था पेपर भारत में, और 14वीं शताब्दी में कल्पसूत्र चित्रित हुई है, जो 1380 का कल्पसूत्र गुजरात में चित्र किया गया। इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार का नाम बताएं। कॉन्स्टेबल। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे। प्रमुख चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर थे। बंगाल शैली में वाष् चित्र का खोज किए थे ये। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? पंचमढ़ी की खोज जी आर हंटर ने की। टाइम क्या था? 1932। 1932 ईस्वी में जी आर हंटर ने पंचमढ़ी का खोज किए, और 1936 ईस्वी में, ठीक 4 साल के बाद, 1936 ईस्वी में डीएच गार्डन ने चित्र की खोज किए थे, पेंटिंग्स की खोज। जोगी मारा के चित्र बने हैं। जोगी मारा के चित्र छत पर बनाए गए हैं, और पेंटिंग्स बनाई कैसे गई है? ये सपोज कैनवस है, तो कैनवस पर जो हाशिए बनाए गए हैं वो पीले रंग से बनाए गए हैं, और सपाट धरातल सफ़ेद रंग से बनाए गए हैं। उसके अंदर जो आकृतियाँ बनाई गई हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स वगैरह, ये कोई ऑब्जेक्ट, उनको रेड कलर से बनाया गया, और ब्लैक कलर से उनकी आउटलाइनिंग की गई है। और जोगीमारा फेमस क्यों है? तो यहाँ पे सबसे पहले प्राचीन काल में भित्ति चित्र की खोज यहीं से मिलती है सर्वप्रथम, और जोगीमारा मौर्य डायनेस्टी का है, 300 शताब्दी का है। विहार गुफाओं को कहा जाता है, तो विहार गुफा को संघाराम कहा जाता है, जहाँ पर बुद्ध रहते थे, मतलब। और चैत्य क्या होता है? चैत्य प्रेयर हॉल होता है, जहाँ पे बुद्ध प्रेयर करते थे, मतलब जो उनका पूजा स्थल होता था। गौतम बुद्ध का उपदेश था। गौतम बुद्ध का उपदेश था चरत मिख्यते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अजंता में कितने जातक कथाएं चित्रित हैं? तो टोटल 547 जातक कथाएं हैं। स्नान स्थल किस चित्रकार का चित्र है? स्नान स्थल पेंटिंग बनाए थे जॉर्ज सूरेट। और जॉर्ज सूरेट किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं? तो ये पॉइंटलिज्म आर्ट मूवमेंट, जिसे बोलते हैं नियो इम्प्रेशनिज्म या फिर विभक्तिवाद, उसकी पेंटिंग है स्नान स्थल। इंग्लिश में इस पेंटिंग को कहते हैं द बाथर्स। घनवाद आंदोलन समाप्त हो गया, तो क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट कब एंड हुआ था? 1925 में। और स्टार्ट कब हुआ था? 1907, 1907 में स्टार्ट हुआ था, और आर्टिस्ट ने पैब्लो पिकासो। ग्राफिक विधि किससे संबंधित है? तो ग्राफिक विधि है एचिंग से संबंधित। एचिंग किसका पार्ट है? एचिंग है इंटेग्लियो का पार्ट। 1515 ईस्वी में एचिंग अम्लांकन की खोज हुई थी जर्मन में। भारत में एचिंग टेक्निक का खोज सबसे पहले कौन यूज किया? तो मुकुल चंडे। अभिव्यंजनावादी कला का विकास हुआ था। अभिव्यंजनावादी एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट की बात हो रही है, जिसके फाउंडर है एडवर्ड मुंक, और ये आर्ट मूवमेंट चला था जर्मन में। टर्नर किस वाद के कलाकार हैं? तो टर्नर बेसिकली प्रभाववादी वाद, इनसे प्रभावित हुए थे, इनकी पेंटिंग से, तो प्रभाववाद करेक्ट होगा। कंप्यूटर कला के प्रसिद्ध चित्रकार कहाँ के हैं? अमेरिका के। द फ्लैंड मोजैक भारतीय समकालीन चित्र 1997 पुस्तक के लेखक कौन है? द फ्लैंड मोजैक पुस्तक के लेखक है नवेली तुली। और टाइम क्या है? तो 1997 का समकालीन चित्र
पुस्तक है, और इसके आर्टिस्ट जैसे ये पेंटिंग दिख रही है द फ्लैम मोज़ेक, ये पेंटिंग किसने बनाई है? असित कुमार हल्दर की पेंटिंग है द फ्लैम मोज़ेक, और पुस्तक है नवेली तुली की, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ग्वर्निका चित्र किसने बनाया है? तो ग्वर्निका पेंटिंग पैब्लो पिकासो ने बनाया है 1937 ईस्वी में। ग्वर्निका पेंटिंग की साइज क्या है? तो 11 1.5 × 25 1.5। और इस पेंटिंग में घोड़े दिखाए गए हैं, तो घोड़ा जो है वो जनता का प्रतीक है। स्पेनिश वर्ल्ड वॉर को कैप्चर किया गया था इस पेंटिंग में। एक ऐसे नेता का नाम बताइए जिसने अपनी जीविका का प्रारंभ एक कार्टून चित्र का, मतलब कार्टून के लिए विख्यात है, अपनी पेंटिंग स्टार्ट किए थे कार्टूनिस्ट चित्रकार के तौर पर, तो वो आर्टिस्ट हैं बाल ठाकरे। उस महाराजा और कला प्रेमी का नाम बताइए जिन्होंने जयपुर को बसाया, राजा सवाई जय सिंह 1727 ईस्वी में। सवाई जय सिंह ने पिंक सिटी बसाया था जयपुर में। स्कूल ऑफ एथेंस किसका भित्ति चित्र है? स्कूल ऑफ एथेंस पेंटिंग हाई रिनेसा आर्टिस्ट रफेल बनाए थे, और कहाँ पर? तो वेटिकन पुस्तकालय में 1508 से लेकर 1511 तक में कंप्लीट कर दिए थे भित्ति चित्र। पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? पेंटर ऑफ सीरीज एडवर्ड, पेंटर ऑफ सीरीज क्लाउड मोने को कहते हैं। श्री आर के लक्ष्मण किस रूप में प्रसिद्ध हैं? आर के लक्ष्मण कार्टूनिस्ट हैं। वर्ली भित्ति चित्र किस राज्य में है? तो वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र की लोक कला है वर्ली आर्ट। तनखा कुंडलित चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? तो तनखा पेंटिंग फेमस है हिमाचल प्रदेश का, और इसके फेमस आर्टिस्ट है। तर्किश बाद का चित्रकार कौन था? तो तर्किश बाद पेंटिंग बनाया था इग्र। इग्र किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं? तो नियो क्लासिज्म आर्ट मूवमेंट। वास्तु विद्या और सृजित के देवता हैं? वास्तु विद्या और सृजित के देवता विश्वकर्मा है। किसके संरक्षण में हमजा नामा का चित्रांकन हुआ? हमजा नामा का चित्रांकन अकबर के टाइम में हुआ, और हमजा नामा जो पेंटिंग इलस्ट्रेट किया गया था, तो उसका फारसी अनुवाद कौन किए थे? उनका नाम था अताउल्ला काजबीन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? तो यहाँ पूछ रहे हैं कि कौन सा केंद्र नहीं है राजस्थानी चित्रकला का, तो गुलेर नहीं है। गुलेर किसका केंद्र है? पहाड़ी कला का। भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस भारतीय समकालीन कला से संबंधित हैं? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल समीक्षावादी शैली से बिलोंग करते हैं। गगनेंद्रनाथ टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित हैं? गगनेंद्रनाथ टैगोर क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, घनवादी कहलाते हैं। आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन थे? तो फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट के बारे में बात हो रही है, आर्टिस्ट हैं, फादर ऑफ मॉडर्न आर्टिस्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर। यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था? यथार्थवाद मतलब रियलिज्म आर्ट मूवमेंट की बात हो रही है, उसके फाउंडर थे ग्यूस्टर कॉर्बेट। नव प्रभाववाद का प्रवर्तक कौन था? नव प्रभाववाद को इंग्लिश में बोलते हैं नियो इम्प्रेशनिज्म, और उसके फाउंडर है जॉर्ज सूरेट। नव प्रभाववाद कहाँ स्टार्ट हुआ था?
फ्रांस पेरिस में 1884 ईस्वी में। और पेंटिंग विभक्तिवाद भी कहते हैं, पेंटिंग इस तरह से यहाँ पे कैप्चर की जाती है बिंदु बिंदु की तरह, मतलब लाइक रेड कलर लगाया उसके बराबर में उन्होंने येलो कलर लगा दिया, तो रेड और येलो के रिफ्लेक्शन से जो थर्ड कलर कैप्चर होता है ऑरेंज कलर, तो वो आइज मतलब आइज के थ्रू डिपिक्ट करते थे। तो बिंदुवाद, विभक्तिवाद और नव प्रभाववाद सब इसी आर्ट मूवमेंट को कहते हैं। जॉर्ज सूरेट उसके फाउंडर रहे हैं। बंगाल स्कूल किस चित्र शैली में उत्कल बंधन चित्रित किया गया है? बसौली, बसौली पहाड़ी स्कूल का पार्ट है। निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात कला समीक्षक है? ए एस रमन। बनी ठनी चित्र किससे संबंधित है? किशनगढ़ स्कूल। पेंटिंग बनाए थे बनी ठनी की निहाल चंद, और उस टाइम राजा थे राजा सावन सिंह। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? फ्रेस्को टेक्निक। भारतीय षडंग छह अंग के रचयिता कौन है? पंडित यशोधरा ने अपने जयमंगला पुस्तक में डिस्क्राइब किया है। टोटल 6 अंग का नेम है रूपा भेदा प्रमाण भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग। किस लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों को प्रेरणा दी थी? आर्टिस्ट टर्नर। नव शास्त्रीयतावाद चित्रकार का नाम बताइए। डेविड, इनका पूरा नाम है जैक ल्यूज डेविड। नव शास्त्रीयतावाद स्टार्ट हुआ था फ्रांस में 1780 से लेकर 1830 तक चला था, और पहली पेंटिंग बनाई गई है होरासिया का ओथ ऑफ होरासी, होरासिया का प्रण, तो उसका टाइम है 1785। 1785 में इन्होंने बनाई थी डेविड ने ओथ ऑफ होरासी, न्यू क्लासिज्म फर्स्ट पेंटिंग है और लूवर म्यूजियम पेरिस में संग्रहित है। जंगलवादी चित्रकार का नाम बताइए। जंगलवाद को इंग्लिश में बोलते हैं फेवरिज्म। फेवरिज्म आर्ट मूवमेंट फ्रांस में स्टार्ट हुआ था, और उसके आर्टिस्ट हैं हेनरी मैटिस। हेनरी मैटिस मातिस सिर्फ दिया हुआ है, इनका पूरा नाम है हेनरी मैटिस। एमिल नोल्डे किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित हैं? एमिल नोल्डे जर्मन अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं। जर्मन एक्सप्रेसनिज्म आर्ट मूवमेंट जर्मन में स्टार्ट हुआ था, और इसके फाउंडर हैं जर्मन अभिव्यंजनावाद के एडवर्ड मुंग। उस उत्तर प्रभाववादी चित्रकार का नाम बताइए जिसने ताहिती में चित्रित कार्य किया था। पोस्ट इंप्रेशनिज्म आर्टिस्ट हैं पाउल गॉगेन। शांत संगीत उक्ति किसके लिए प्रयुक्त होती है? इटालियन चित्रकला के लिए। रीतिवाद क्या है? रीतिवाद एक कला आंदोलन है, यूरोप में इटली में स्टार्ट हुआ था 1525 या 30 ईस्वी में, इसी के अप्रॉक्सीमेटली टाइम है, और इंग्लिश में इसे मैनरिज्म कहते हैं। मैनरिज्म के आर्टिस्ट हैं जूलिया रिमानो, पार्मिजियानो, ग्रोसेप बेलो और अंका बॉर्डिया। एक वर्ड यूज होता है कॉन्स्टोपोस्टो। कॉन्स्टोपोस्टो कुछ ऐसा आकार का एक शेप होता है मोमेंटेबल, तो मैनरिज्म में कॉन्स्टोपोस्टो टेक्निक का यूज़ किया गया है। ट्रांसफिग्रेशन चित्र किसने बनाया है? ट्रांसफिग्रेशन पेंटिंग है रफेल की। लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाया है? लैंडस्केप पेंटिंग टर्नर ने बनाया है। द फाइटिंग टर्नर इनका बहुत फेमस पेंटिंग है, टर्नर के लैंडस्केप पेंटिंग। माइकल एंजेलो की मूर्ति डेविड कहाँ है? तो डेविड फ्लोरेंस में संग्रहित है, और डेविड मूर्ति की साइज क्या है? तो 18 फीट साइज है डेविड का। NID नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन कहाँ स्थित है? गुजरात में।
इटली में बरोक कला पनपी 16वीं शताब्दी में। बरोक आर्टिस्ट हैं जो फादर ऑफ बरोक आर्ट हैं कैराबेजियो, तो कैराबेजियो का लर्न रखिएगा कि कैराबेजियो फादर ऑफ बरोक आर्टिस्ट हैं। उसके बाद जितने आर्टिस्ट हैं लाइक पीटर पॉल रूबेंस, रेम्ब्रांड। भीमबेटका गुफा की खोज हुई थी 1958 में। भीमबेटका गुफा की खोज V.S. वाकड़कर ने किया था और मध्य प्रदेश में स्थित है। टोटल यहाँ पर 600 गुफाएं हैं और 275 चित्र मिले हैं भीमबेटका गुफा से। 2003 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था किसने दिया? भरत मुनि ने। एरिस्टोटल ने कला को कहा था प्रकृति की नकल। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल थे? ईवी हेवेल। कब बने थे? 1896 में। 1896 में कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल बने और 1884 में ये पहले मद्रास कला विद्यालय के टीचर रह चुके हैं। सूरजमुखी के फूल किसकी कृति है? इंग्लिश में इस पेंटिंग को बोलते हैं द सनफ्लावर, क्योंकि सनफ्लावर नेम से भी आ जाता है एग्जाम में, और सूरजमुखी। तो ये पेंटिंग बनाया है आर्टिस्ट वैन गॉग, विंसेंट वैन गॉग। मैं इंग्लिश टर्म्स इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि सारे इज्म जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आते हैं। टैगोर का व्यक्ति चित्र कृति है अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया है, और टैगोर का मूर्ति किसने बनाया है? रामकिंकर बैज ने। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, पेंटिंग बनाया है अवनींद्रनाथ टैगोर और टैगोर की मतलब पोर्ट्रेट जो बनाया है मूर्ति वो रामकिंकर बैज बनाया है। गौथिक कला में विकास हुआ रंगीन कांच की खिड़कियों का। गौथिक कला को और किस नाम से जाना जाता है? तो स्टेन ग्लास आर्ट के नाम से, स्टेन ग्लास पेंटिंग हुई है गौथिक काल में। अबुल हसन के पिता का नाम था? अबुल हसन के पिता अकारिजा थे जो जहांगीर काल के दरबारी चित्रकार और नकलची चित्रकार के नाम से भी फेमस हैं। लाल पुष्प किस मुगल कलाकार का चित्र है? लाल पुष्प बनाए थे उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर फेमस क्यों थे? तो पक्षी चित्रकारी के लिए, अरे पक्षी चित्रों के लिए फेमस है ये मुगल एज के जहांगीर काल में। ताजमहल भारतीय नारीत्व का साकार प्रतिमा है, ये कथन किसने कहा है? ईवी हेवेल। उदारता का सिद्धांत पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में किसने प्रतिपादित किया? लोजाइनस ने। बिशनदास निपुण थे, बिशनदास छवि चित्र के लिए निपुण थे। कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपिकार दोनों हैं? चित्रकार और सुलिपिकार दोनों अब्दुल समद थे। अब्दुल समद 1555 ईस्वी में भारत आए थे हुमायूं के साथ, और अब्दुल समद रहने वाले कहाँ के थे? तो ये ईरान के थे। जॉर्ज मूर का व्यक्तिचित्र किसकी कृति है? जॉर्ज मूर का व्यक्तिचित्र एडवर्ड माने ने बनाया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ये है कि जॉर्ज मूर का व्यक्तिचित्र कब बनाए थे? तो 1879 में एडवर्ड माने बनाए थे। अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म हुआ था 1471 में, और अल्बर्ट ड्यूरर फेमस कहाँ के आर्टिस्ट हैं? तो जर्मन के वुड कट आर्टिस्ट हैं। इनकी फेमस वुड कट है एपोकलिप्स। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए जीनियस किसकी आत्मकथा है? सेल्वाडोर डाली की। सेल्वाडोर डाली सरलिज्म आर्टिस्ट हैं। भारत में कुषाण कालीन
मूर्तियाँ बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में उपलब्ध हैं? मथुरा संग्रहालय। देखिए कुषाण काल जो चला कहाँ था, चला था मथुरा में, तो वो मथुरा संग्रहालय में मूर्तियाँ संग्रहित हैं। चौर पंचासिका किस शती में लिखी गई थी? 16वीं शताब्दी में लिखी गई थी। और चौर पंचासिका के लेखक कौन है? तो वो है विल्हड़ है। प्रभाववादी चित्रकार का प्रमुख विषय होता है? तो प्रभाववादी आर्टिस्ट लैंडस्केप में माहिर थे, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से लैंडस्केप करते थे ऑन द स्पॉट। तो वातावरण और प्रकाश को कैप्चर करते थे, मतलब लाइट और एटमॉस्फेयर को कैप्चर करते थे। और प्रभाववाद जो पेंटिंग बनाते थे, वो एक्चुअल में कैसी पेंटिंग्स बनाते थे, वो लोग जाते थे ऑन द स्पॉट, जैसे दिख रहा होता था एज इट इज सेम कॉपी करते थे। स्टार्ट हुआ था, बात कर लेते हैं ये स्टार्ट कहाँ हुआ था। तो प्रभाववाद स्टार्ट हुआ था फ्रांस में स्टार्ट हुआ। यहाँ के फेमस आर्टिस्ट हैं, जिसे कहते हैं फादर ऑफ इम्प्रेशनिज्म, वो है क्लाउड मोने और एडवर्ड माने, मैनेट, डिगास, रनायर, सिसली, पिसारो। और यहाँ की एक फीमेल आर्टिस्ट है, उनका नेम है बर्थ मरीसा। लियोनार्डो द विंसी का जन्म हुआ था? लियोनार्डो द विंसी 1452 ईस्वी में पैदा हुए थे और इनकी डेथ हुई है 1519 ईस्वी में। ये हाई रिनेसा फेमस आर्टिस्ट हैं। पॉप कला का जन्म हुआ था? तो पॉप कला का जन्म इंग्लैंड में हुआ है 1950 ईस्वी में। उसके बाद एक साल बाद 1960 में पॉप आर्ट ट्रांसफॉर्म होकर के अमेरिका पहुंच गए। और पॉप आर्ट के फेमस जो फाउंडर कहे जाते हैं, जन्मदाता, वो हैं एंड्री वॉरहल। बात कर लेते हैं कि पॉप आर्ट में वर्क कैसे हुए हैं उस इसमें। तो बेसिकली जो कैंपाबेल्स लाइक एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड यहाँ पर काम हुआ है। मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र है? राजा केशव सेन का रूप चित्र। राजा केशव सेन का रूप चित्र 1500। ईस्वी में चित्रित हुआ है मंडी में, राजा केशव सेन का रूप चित्र। उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। तो यूपी के दृश्य चित्रकार हैं प्रोफेसर मदन लाल नागर। बंगाल के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए। बंगाल के समकालीन चित्रकार हैं गणेश पाइन। आप किन दो रंगों को मिलाकर काला रंग बनाएंगे? कत्थई और नीला रंग। कौन सा रंग ठंडा होता है? ब्लू कलर। यहाँ बात कर लेते हैं कि ठंडे कलर्स कौन कौन से होते हैं। ब्लू, ग्रीन एंड वॉयलेट। कौन समकालीन चित्रकार एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बना रहे हैं? आर्टिस्ट MF हुसैन। मणिकुट्टी किस शैली की देन है? मणिकुट्टी मीन्स मोज़ेक की बात हो रही है, तो मोज़ेक आर्ट पेंटिंग हुआ है बेंजेंटाइन आर्ट में। उत्तरी स्पेन में प्रागैतिहासिक गुफा स्थित है? उत्तरी स्पेन में प्रागैतिहासिक गुफा अल्तामिरा है। 1879 में अल्तामिरा गुफा की खोज हुई थी, मारिया सांतोहेला ने किया है। सांड्रो बोटिचेली प्रसिद्ध कलाकार थे? इटली के अर्ली रिनेसा फेमस आर्टिस्ट हैं। सांड्रो बोटिचेली की फेमस पेंटिंग है प्राइमावेरा एंड बर्थ ऑफ विनस। साची की शाल भंजिका यक्षी आकृतियां किस काल की हैं? तो सांची की शाल भंजिका यक्षी जो बनाई गई है, वो अर्ध सातवाहना काल में बनाई गई है। सांची गुफा की मतलब सांची जो है
किसने खोजा था? तो सांची की खोज की है रायसेन ने। और किस जिले में है? तो ये रायलेट जिला में है, रायलेट में है सर रायसेन ने इसका सांची का खोज किए थे। भारत भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत भवन भोपाल में स्थित है। भारत भवन की खोज मतलब कब डिस्कवर्ड हुआ था, कब बनाया गया था? तो 1982। स्थापक है अशोक वाजपेयी और अध्यक्ष है यहाँ पर जे स्वामीनाथन। भारत भवन का डिज़ाइन जो किया था डिज़ाइनर है आर्किटेक्ट डिज़ाइनर चार्ल्स कोरिया। धर्म का प्रमुख बड़ा मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ पाया गया है, मतलब कहाँ पर स्थित है? तो बिहार बौद्ध गया में। और किस काल का है? गुप्त काल का। प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणि कर निम्नलिखित में से किस ललित कला विद्यालय में प्रधानाचार्य रहे? कलकत्ता कला कॉलेज ऑफ आर्ट्स में थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का औद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है? तो औद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है पूछ रहे हैं, तो सिंघनपुर नहीं है। मोहनजोदड़ो लोथल और ये हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट है और औद्य ऐतिहासिक पार्ट है। और सिंधु ये सिंघनपुर कौन सा पार्ट है? तो सिंघनपुर प्रागैतिहासिक काल का है। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की टेक्निक किसके समान है? जयपुर अरायशी। और जयपुर अरायशी मतलब जयपुर फ्रेस्को को जयपुर अरायशी फ्रेस्को के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए। समकालीन चित्रकार जयकृष्ण अग्रवाल हैं। जयकृष्ण अग्रवाल 1941 ईस्वी में अमरोहा यूपी में पैदा हुए थे। और ये स्टूडेंट किसके रहे हैं? तो स्टूडेंट है सोमनाथ होर के और टीचर रहे हैं लखनऊ कला विद्यालय लखनऊ के। ओडल रिडॉन किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? ओडल रिडॉन प्रतीकवादी कलाकार हैं, सिंबॉलिस्ट आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। भविष्यवाद आधुनिक कला आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो भविष्यवाद इंग्लिश में कहते हैं फ्यूचरिज्म आर्ट। तो फ्यूचरिज्म आर्ट इटली के कलाकारों द्वारा निर्माण किया गया। इसके कलाकार हैं कार्लो कारा, फिलिप्पो टोमेसो मार्टिनी। मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया था? तो मैटरनिटी पेंटिंग है वैन गॉग की। आधुनिक कला का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक कला के पिता मतलब फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट पॉल सेजान है। अति यथार्थवाद को किसने विकसित किया? सरलिज्म आर्ट मूवमेंट की बात हो रही है तो आर्टिस्ट सेल्वेडर डाली। घनवाद में कितने आयाम होते हैं? तीन आयाम होते हैं। घनवाद स्टार्ट हुआ था पेरिस फ्रांस में 1907 ईस्वी में, 1907 से 1925 तक चला। और इसके फाउंडर हैं पैब्लो पिकासो। अन्य आर्टिस्ट हैं जॉर्ज ब्रॉक, फर्नालेजे एंड हान ग्रीस। भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? आर्टिस्ट मंसूर, जहांगीर काल के फेमस पक्षी चित्रकार। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एस्थेटिक शब्द का यूज़ किए हैं बॉमगार्टन। बॉमगार्टन कहाँ के थे? तो ये जर्मन फिलोसफर हैं, जर्मन फिलोसफर हैं। और बॉमगार्टन को फादर ऑफ एस्थेटिक भी कहा जाता है। कला सहजानुभूति किस महान दार्शनिक ने इस तथ्य को स्पष्ट किया है? क्रोशे। और क्रोशे की थ्योरी है एक्सप्रेशनिज्म थ्योरी।
एक्सप्रेशनिज्म थ्योरी क्रोसियर ने दिया है। पंचमढ़ी गुफा चित्र किस प्रदेश में है? पंचमढ़ी गुफा चित्र मध्य प्रदेश में है। 1932 ईस्वी में हंटर ने इस गुफा की खोज की थी और 1936 ईस्वी में गार्डन ने यहाँ पे चित्रों की खोज की है। प्रमुख अति यथार्थवादी चित्रकार का नाम बताइए। तो प्रमुख अति यथार्थवादी चित्रकार हैं सल्वाडोर डाली। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक्शन पेंटिंग से संबंधित थे। जैक्सन पोलॉक। जैक्सन पोलॉक 1912 ईस्वी में पैदा हुए थे अमेरिका में और ये ड्रिप आर्ट के लिए फेमस है और किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं? तो ये नारी जाति की रहस्यमयी पहेली किसे कहा जाता है? कौन सी पेंटिंग है? नारी जाति की रहस्यमयी पहेली किसे कहा गया? मोनालिसा को। मोनालिसा पेंटिंग आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंसी 1501 से 1504 में कंप्लीट कर दिए थे। और ये किसके ऊपर आधारित है? ये पेंटिंग किसका रिफ्लेक्शन है? तो ला जियोकोंडा, एक अधिकारी की पत्नी ला जियोकोंडा का एक रिफ्लेक्शन मोनालिसा पेंटिंग बनाए थे लियोनार्डो दा विंसी। और कौन सी लकड़ी का यूज, मतलब किस पे धरातल क्या था? तो पॉपुलर लकड़ी धरातल था और रेड कलर के टोन्स में इन्होंने मोनालिसा पेंटिंग बनाई है जो लूवर म्यूजियम पेरिस में संग्रहित है। मोजैक कला संबंधित है? मोजैक कला बेंजेंटाइन कला से संबंधित है। अर्ध पुनर्जागरण का महान चित्रकार है, मतलब अर्ली रिनेसा आर्ट मूवमेंट की बात हो रही है, तो फेमस आर्टिस्ट है जियोत्तो। द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहाँ संग्रहित है? पेरिस में। तो इसका फेस जो है वो लॉयन का है, बॉडी लॉयन की और फेस ह्यूमन बीइंग का कैप्चर किया गया है द ग्रेट स्फिंक्स में। इजिप्ट में 3 पिरामिड बनाए गए हैं, खुफरे, खफरे और मैनकुरे। तो ये जो स्फिंक्स है वो खफरे के सेंटर में बनाया गया है। सिस्टाइन मैडोना को किसने चित्रित किया है? आर्टिस्ट रफेल ने। पंचमढ़ी गुफा चित्र किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी गुफा मध्य प्रदेश में है। टोटल यहाँ पर 50 गुफा है, पांडव गुफा के नाम से भी जाना जाता है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में पाई जाती हैं? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। 1819 ईस्वी में इस गुफा की खोज हुई थी और पूरे टोटल यहाँ पे 30 गुफा है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? पहाड़ी चित्रकला। उत्तर भारत में कंपनी शैली का केंद्र, प्रमुख केंद्र कौन सा था? पटना। कंपनी शैली की खोज पीसी मानक ने 1943 ईस्वी में किया है। और कंपनी शैली फेमस क्यों है? तो यहाँ पर जल रंगों से भी पेंटिंग बनाई गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।